Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी. भिंडी जिसे ओकरा भी कहते हैं और कुछ लोग इसे लेडी फिंगर भी कहते हैं. इसे बनाने में कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते, बल्कि आप जितने कम इंग्रेडिएंट्स रखेंगे इस डिश में उतनी ही अच्छी और फ्लेवरफुल आपकी भिंडी बनेगी. तो आज हम बनाएंगे प्लेन भिंडी, भिंडी की सब्जी. उसमें हम कोई गोश्त नहीं ऐड करेंगे या कोई डिफरेंट स्टाइल से नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक सिंपल सी सब्जी बनाएंगे भिंडी की. और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ. भिंडी के लिए मैंने यहाँ पर ली है 600 ग्राम्स है भिंडी. ये मेरे पास फ्रोजन थी, मैं इस रेसिपी के लिए आज फ्रोजन यूज कर रही हूँ और फ्रोजन से भी बहुत ही अच्छी बनती है. नेक्स्ट मैंने लिया है एक मीडियम साइज टमेटो, आप मीडियम टू लार्ज साइज ले लें. फिर मैंने लिए हैं 4 लहसुन के जवे, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है. ये है मेरे पास एक लार्ज साइज अनियन, इसको भी मैंने पतली पतली स्लाइसेस में काट लिया है. 1 or 2 ग्रीन चिलीज, मेरी स्पाइसी है इसलिए मैंने सिर्फ 2 ली है. अगर आपकी स्पाइसी ना हो तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं. इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है. फिर ऑयल लिया है 4 टेबलस्पून और 1/4 कप. 1/4 टीस्पून हल्दी ली है. 1 टीस्पून जीरा लिया है. सॉल्ट टू टेस्ट है. और ये रेड चिली पाउडर है, ये भी 1/4 टीस्पून है. अब हम इन चीजों को बहुत ही जल्दी से देगची में डाल के, अनियन फ्राई करके, गार्लिक फ्राई करके, भिंडी ऐड करके, टमाटर ऐड करके, 2-4 मसाले ऐड करके फौरन से हम भिंडी बना लेंगे. तो लेट मी शो यू कि किस तरह करना है. सबसे पहले मैंने ये पैन लिया है, इसको लो पे मैंने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था. तो ये अभी अच्छा खासा गर्म हो रहा है. आई एम गोना ऐड ऑयल, इसमें ऑयल ऐड कर देंगे. ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जीरा. फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे खोल देते हैं. अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनियन. इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे. 2-3 मिनट हो गई है अनियन को, थोड़ी अनियन सॉफ्ट होना शुरू हो गई है. अब हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक, जो लहसुन था वो ऐड कर देंगे. और फिर इसको और 2-3 मिनट तक सौते करेंगे इसी तरह. 3 मिनट हो चुकी है और ये प्याज और गार्लिक अच्छी तरह सौते हो गया है. अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे. साथ ही मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, इसको भी मिक्स कर लेंगे. अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट, इसको भी मिक्स कर देंगे. लास्ट एंड मेन इंग्रेडिएंट ओकरा भिंडी, ये भी ऐड कर देंगे इसमें. इसको थोड़ा मिला लेंगे. तो 2-3 मिनट तक हम इसको इसी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि हर चीज मिल जाए एक साथ. सारी चीजें हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं. अब हम क्या करेंगे कि इसको मीडियम टू लो पे रख देंगे फ्लेम इसका. पहले मीडियम पे था, अब बिटवीन लो एंड मीडियम करके इसको ढक देंगे और इसको इसी तरह पकने देंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स. 30 मिनट्स के बाद आके हम इसको चेक करेंगे. सो अब हो गए हैं पूरे 30 मिनट्स. इसको चेक करते हैं कि अब ये कितनी बन गई है हमारी भिंडी. आप देख सकते हैं व्यूअर्स के अब जो है इसका सारा जो जूसेस रिलीज हुए थे वो खत्म हो गए हैं. और अब अगर आप इसमें स्पून चलाएंगे तो आपको एक्चुअली ऑयल नजर आएगा. सो ये है साइन कि अब भिंडी डन हो गई है. और अब मैं इसको करूंगी डिश आउट. अब मैं इसको डिश आउट करके आपको बताती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा है. भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक. बहुत ही यमी, डिलिशियस और गर्मा गर्म भिंडी तैयार है. तो मैं इसे खाऊंगी लिक्विड डो की रोटी के साथ, जो मैं अभी बना रही हूँ इसके साथ. और मैं आपको इसको एक टेस्ट टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है.
भिंडी बहुत ही मजेदार लग रही है। इसको मैं बताती हूँ आपको टेस्ट करके कि कैसी है। आउटस्टैंडिंग। एक निवाले से दिल नहीं भरेगा और लेनी पड़ेगी। बहुत ही मजेदार, इतनी मजेदार है दिल कर रहा है बस सब कुछ छोड़ूं, इसे खाने बैठ जाऊं उस वक्त। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। ना ज्यादा मसाले हैं इसमें, कुछ भी नहीं करना है। दो तीन मसाले डाल के पकने के लिए छोड़ दें। इजी रेसिपी, लेस इंग्रेडिएंट्स, यमी। ट्राई करें इसे, मुझे बताएं कैसी बनी थी। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। Until next time, Allah Hafiz.